ये पिज्जा एक साल तक खा सकते हो आप, एक साल तक। हाँ, और ये पिज्जा अगर आज खाओगे तो कल ही खराब हो सकता है। तो ये है हमारा अमूल का फ्रोजन पिज्जा, इसका 180 प्राइस पड़ा हमको, और ये हमको पड़ा 250 का जो कि ताजा है। तो देखेंगे दोनों का डिफरेंस, ये कच्चा पिज्जा और ये पका पिज्जा। तो चलो अभी कच्चे को पका करते हैं और फिर बाद में इन दोनों को टेस्ट करके बताते हैं। पानी डाल देंगे तो इसको थोड़ा देर पकाते हैं। तो ये हमारा पिज्जा बन गया, ये रेडी हो गया। तो ये बनाने में बहुत मेहनत लगी है और ये सीधा बन के ही आ गया हमारा 250 रुपए में। फिर इसको टेस्ट करते हैं, हमारा डोमिनोज पिज्जा। ये बनाते बनाते थोड़ा ठंडा जरूर हो गया लेकिन बहुत टेस्टी है। तो इसको टेस्ट करते हैं, कैसा लगा आकांक्षा? बहुत टेस्टी और फ्रेश लग रहा है यार ये। क्या बात कर रहे हो, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि आपने ये कुछ महीनों पुराना खा रहे हो। तो फिर ये 100 रुपए वाला पसंद आया या फिर तुमको 250 रुपए वाला पसंद आया? चॉइस तो मेरी यही है, बट बता रही हूँ अच्छा लग रहा है।